पश्चिम बंगाल के कैनिंग से देर रात टकराया रेमल तूफान। लैंडफॉल के बाद कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अब कमजोर पड़ रहा है तूफान। रेमल तूफान की वजह से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट पर प्रशासन, ओडिशा में भी हाई अलर्ट। कोलकाता के अलीपुर इलाके में हुई भारी बारिश, तूफान की वजह से चली तेज हवाएं। तेज हवाओं की वजह से गिरे पेड़, प्रशासन की टीम ने पेड़ काटकर रास्ते साफ किए। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर विदिखा तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और आंधी की वजह से बाईपास रोड के पास एक पेड़ गिरा, एनडीआरएफ की टीम ने पेड़ काटकर रास्ता साफ किया। कोलकाता की कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, जगह जगह सड़कों पर भर गया पानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चक्रवात रेमल की निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। हावड़ा में ट्रेनों को चेन से लॉक करके ट्रैक से बांधा गया, चक्रवाती रेमल को देखते हुए एहतियातन लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में रेमल के तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात, शॉर्ट नोटिस पर आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त टीमें भी रखी गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 9 बजे तक के लिए बंद किया गया है। कई और शहरों में हवाई सेवा प्रभावित है, एयरपोर्ट पर फंसे हैं लोग। पीएम मोदी ने रेमल तूफान को लेकर की मीटिंग, अधिकारियों से अपडेट लिया, राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया। ममता बनर्जी ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी, कहा ये तूफान भी गुजर जाएगा। यूपी में 7वें फेज के मतदान को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल में संभालेंगे मोर्चा। सीएम योगी आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार, मऊ, सोनभद्र और वाराणसी में करेंगे रैलियां। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज कुशीनगर, बलिया और वाराणसी जाएंगे, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, मतदाता सम्मेलन समेत 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के जहानाबाद और पाटलिपुत्र में रैली को संबोधित करेंगे, बख्तियारपुर और आरा में भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश में करेंगी चुनाव प्रचार, चंबा और शाहपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज गाजीपुर और चंदौली में जनसभा, अपने उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। बासगांव की रैली में बोले पीएम, सपा सरकार में माफिया सरकारी जमीन पर महल बनाते थे, लेकिन योगी के आने के बाद माहौल बदला है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा हमारे योगी जी अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा देश ने फिर मोदी सरकार के गठन का मन बनाया, 6 चरणों के चुनाव में एनडीए की सरकार बनना तय। मिर्जापुर की रैली में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, विरासत, विकास, सुरक्षा और सम्मान है। लुधियाना में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आम आदमी पार्टी ने पंजाब का सम्मान को खत्म किया, पंजाब की सरकार झोला छाप सरकार है। ऊना की रैली में बोले राहुल गांधी, पीएम मोदी ने 10 सालों में 22 लोगों को अरबपति बनाया, सरकार हमारी बनी तो हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा वो दिन दूर नहीं जब पीएम कहेंगे मेरी पूजा करो। एक महीने बढ़ा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल, अब 30 जून को होंगे रिटायर। असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ मनोज पांडे के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर जताई आपत्ति, कहा चुनाव के बीच ये फैसला ठीक नहीं। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त, आज इस मामले पर होगी सुनवाई। राज्य सरकार समेत प्रदेश के 4 बड़े महानगरों के निगम को तलब किया है। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से आग लगी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बना, फाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। आंद्रे रसल, मिशेल स्टार्क और वेंकटेश ने बनाया केकेआर को तीसरी बार चैंपियन। रसल स्टार्क ने बॉल से किया कमाल तो वेंकटेश ने बल्ले से धमाल मचाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम 113 रनों पर ढेर हो गई। केकेआर ने 11वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।